हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आज नया ब्लॉग बहुत ही दुखद वजह से छूट शूट हो रहा है, क्योंकि मैं घर पे दिन भर काम करता रहता हूँ, लेकिन ये सब जो है ये सब कहते नहीं है कि हम दिन पे घर भर काम करते रहते हैं। छाती भी बालते हैं, सब काम करते हैं, और किसी का तबीयत खराब होता है तो दवा को भी ले जाते हैं, लेकिन ये दोनों जो मेरी बहनें हैं ये सब सूपनखा एक नंबर की हैं। वो देखिए, एक सूपनखा हाथ हिला रही है और मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, अपना गोरखपुर रूम, मतलब वहीं पे है, वहीं पे रहूँगा। अभी मैं जाता हूँ घर, घर छोड़ के अभी निकलता हूँ रूम पे, अभी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद तुरंत, 2 दिन बाद दोस्तों, 2 दिन बाद ये लोग हमको फोन करके बुलाएंगे, बाबू ये काम है वो काम है, मैं फोन नहीं उठाने वाला हूँ अभी। ये मेरी मम्मी है, कैमरे में नहीं आ रही है अभी, ये भी हंस रही है, सब मजा ले रही है हमारा, कोई बात नहीं, वीडियो लाइक कर। ठीक है दोस्तों, मैं अपने रूम पे जाता हूँ, फिर वहाँ पे मिलवाता हूँ सब लोगों से, आप लोगों से। तो फाइनली दोस्तों देखिए कि हम जा रहे हैं गोरखपुर, और ये मेरी मम्मी है, ये बहुत खुश है मैं जा रहा हूँ, खुश है ना, देखिए हंस रही है, इसका मतलब खुश है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है हमारा घर में। 2-4 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ, किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, तब मजा आएगा। आइए चलिए आपको घर छोड़ता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम घर से बहुत ही दूर आ चुके हैं, और ये उनवल का गाँव है, देखिए इधर चारों तरफ बाढ़ आ गया है। सोचे हैं कि मतलब कुछ वीडियो बना लें, और घर पे रहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ काम पड़ता है, पड़ता रहता है। काम करते हैं तब भी लोगों को लगता है काम नहीं करते हैं। अब 2 दिन के लिए उधर ही दोस्त के पास रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, अब देखते हैं। घर से लोग फ़ोन करेंगे तो जाएँगे, नहीं करेंगे तो ना, वरना नहीं जाएँगे, वहीं पर अपने दोस्त के साथ रहेंगे रूम लेके, क्या करना है। तो फाइनली दोस्तों देखिए हम अपने रूम पर पहुँच गए हैं, और ये मुस्कुराता है, यह चेहरा मेरा दोस्त का है, और ये यादव जी हैं, यहाँ पे बिहार से हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही, जब हम वहां पे थे घर पे वीडियो बना के डालते थे तो ये बोलते थे कि थोड़ा बाथरूम का भी डाल दीजिए, जो टॉयलेट करते हैं वो भी डाल दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस कैमरे के सामने आते ही सबका एक ही निकल जाता है। और चलिए मैं अपने दोस्त के पास कहना यही चाहते हैं कि माल, चलिए ठीक है, मैं अपने दोस्त के पास चलता हूँ। बंद करो मोबाइल, बंद करो। तो हेलो गाइस, हाँ कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो ऐसे मतलब हम घर पे लगता है थे तभी सही थे, यहाँ पे अपने से बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। अभी आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर ये हम लोग का छोटा सा अलमारी है, यहाँ पे हम लोग अपना जो भी सामान होता है, मसाला वसाला लगते हैं। और ये देखिए छोटा सा गैस है, और ये हमारा बिस्तर है, ये देखिए बिस्तर है, और ये मेरे अभिनव भाई हैं। और वहाँ पे देखिए सारे नोट्स चिपकाए हुए हैं, इन्होंने नहीं चिपकाया, मैंने चिपकाया है। और देखिए इसके ऊपर सारे कापी किताब रखे हुए हैं, और ये हम लोग का हैंगर है, छोटा सा हैंगर है। तो दोस्तों इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, शर्मा रहे हैं। ये बताइए यहाँ पे पढ़ाई हो पा रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रही है ना। तो फाइनली दोस्तों हम अपने रूम पे आ गए हैं, और हम जा रहे हैं आराम करने, क्योंकि 30-40 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं। और ये मेरा दोस्त जो है जा रहा है ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को, पहले मैं भी पढ़ाता रहा था, लेकिन अब घर चला गया तो सारा ट्यूशन मेरा छूट गया है। और जा रहे हो भाई? यस ट्रू। पेन लेके, पूरा रेड पेन लेके जा रहा है। अभी देखिए पल्सर से जाएगा, पल्सर से पढ़ाने, चलो गाड़ी निकाले थी। तो देखिए फाइनली दोस्तों ये पल्सर निकाल लिया, पल्सर से कोचिंग पढ़ाने जाता है। कोचिंग का फीस कितना मिलता है? 3,000 मिलता है, तेल का ही चलता है, पल्सर से चलते हैं बाबू, और गरीबी आई हुई है, लेकिन पल्सर गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। हीरो बनने का ज्यादा शौक है, हेलमेट दे दीजिए, रोड दिखा दीजिए। अरे रोड क्या दिखाए इनको, पहले जाने। तो जा रहे हैं हम? यस। चलिए ठीक है, कब तक आ जाएंगे? चलिए ठीक है, कब तक आ जाएंगे? कब तक आ जाएंगे? चलिए ठीक है, जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मेरा दोस्त चला गया ट्यूशन पढ़ाने, अब मैं अकेले रूम पे हूँ, और ये भाई मेरे साथ हैं। और जा रहा हूँ सोने, क्योंकि गाड़ी चला गया हूँ ज़्यादा दूर से, तो नींद लग रहा है। तो अगर ये वीडियो और ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर गोरखनाथ नज़दीक में ही है, तो अगर आप गोरखनाथ का जो भी व्यू है देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा, तो चलेंगे गोरखनाथ का भी एक बढ़िया सा ब्लॉग बना लेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को बंद करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।